अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। हम भी सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बनाना है ग्रैनुला आज, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट लिए हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस इसको हमने अच्छे से भून लेना है किसी भी पैन में डाल के। तो इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि कोई भी अगर इसको बनाना चाहे तो वो बना सके और उस तक वीडियो पहुंच सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो बस ये दरमियान में ही बच्चे कह रहे थे कि हमने मिल्क शेक पीना है, तो मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी, तो बस उनको ये शेक बना के दे रही थी मैं। तो बच्चों का शेक रेडी हो गया था, उनको दिया और फिर हम अपने ग्रैनुला की तरफ आ गए। तो ये ऑलमोस्ट बस ये भून लिया है इनको मैंने, अब इनको पैन में से निकाल लेंगे। इनको निकाल के तो बस एक साइड पे रख लेना है और इसी पैन में हमने अब बटर लेना है। 2 टेबलस्पून के करीब बटर है इसमें, और इसमें हम 2 टेबलस्पून ही शुगर ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर है वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बटर मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ओट्स ऐड कर देंगे। बस बहुत इजी है ये रेसिपी, बहुत इजी है और बहुत आसानी से बन जाती है। और ये हम अगर ग्रैनुला जो है मार्केट से लें तो ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और आप इसको, ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ख़राब होने वाली है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। 10-15 दिन तक आप इसको रख सकते हैं, 20 दिनों तक भी आप इसको रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें ओट्स डाले थे और इनको अच्छे से भूनना है और ये देखना है, ये तब तक इनको भूनना है जब तक इनका कलर ज़रा गोल्डन हो जाए, तो क्रंची से हो जाते हैं। फिर बस इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देने जो भून के रखे हैं। और इसी दौरान इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि इसको जितना पॉसिबल हो सके स्लो हीट पे, इसको स्लो आंच पे आपने इसको बनाना है, कुक करना है। बिल्कुल भी आंच को तेज़ नहीं करना, बहुत स्लो आंच पे इसको बनाना है, तो वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। और इसमें हमने ये किशमिश थी वो भी ऐड की है। आपके पास ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं, ड्राइड ब्लूबेरीज हैं, कुछ भी है ड्राइड, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी रेडी हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।